विश्व होम्योपैथिक दिवस पर होम्योपैथिक विज्ञान के जन्मदाता डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन का 266वां जन्म दिवस रामघाट रोड स्थित होटल आर्किड ब्लू में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर हैनीमैन के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं पुष्पमाला अर्पित कर की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर योगेंद्र सिंह माहौर जी रहे, जो कि राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं। कार्यक्रम में 15 दवाओं की कंपनी ने स्टॉल लगाकर अपनी दवाओं का प्रचार प्रसार किया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर निमेश कुमार ने बताया कि डॉक्टर हैनीमैन सबसे पहले एलोपैथी डॉक्टर थे, उसके बाद एलोपैथी प्रणाली को छोड़कर उन्होंने होम्योपैथिक प्रणाली की खोज कर उसे आगे बढ़ाया, जो कि आज पूरे देश भर में कार्य कर रही है। वहीं डॉक्टर माहौर ने बताया कि होम्योपैथिक मेडिकल चिकित्सा प्रणाली सबसे सस्ती व दुष्प्रभाव रहित प्रणाली है। अधिक से अधिक हमें इस प्रणाली को उपयोग में लाना चाहिए। अलीगढ़ में 20 होम्योपैथिक मेडिकल डिस्पेंसरी बखूबी कार्य कर रही हैं। वहीं देश भर में 212 अस्पताल और 1508 डिस्पेंसरी मौजूद हैं। देश में लगभग 3 लाख डॉक्टर होम्योपैथिक पद्धति को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं 195 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में डिग्री कोर्स एवं 45 पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम चल रहे हैं। वहीं पूरे देश भर में होम्योपैथिक की 400 कंपनियां मौजूद हैं। अलीगढ़ से राहुल गुप्ता की विशेष रिपोर्ट। होम्योपैथी हर वर्ग के लिए बहुत ही आसान पूर्वक्ताओं ने बताया है कि होम्योपैथी बहुत ही सस्ती एवं सुलभ दवाई है, एक आमजन तक आसानी से पहुंचाई जा सकती है। हमारे होम्योपैथिक विधा के जनक डॉक्टर हैनीमैन जी का 266वां जन्म दिवस मनाया गया है। इस जन्म दिवस को हम विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाते हैं और आज की तारीख में ये जो होम्योपैथिक विधा है पूरे विश्व में अपना एक प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, मैं किसी विधा की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि आज होम्योपैथी ने एलोपैथी को पीछे छोड़ दिया है और होम्योपैथी आज काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। इसी के साथ हमारी अलीगढ़ एसोसिएशन द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित कराया हर वर्ष कराया जाता है, मुझे बहुत हर्ष है कि हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारी इस होम्योपैथिक विधा को अलीगढ़ जनपद ही नहीं अलीगढ़ मंडल में एक अपना स्थान प्रदान कराने में एक सफल भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही मैं आपको एक अवगत कराना चाहूँगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक अलीगढ़ की इस पावन धरती पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है, जिसका कि मैं प्रिंसिपल भी हूँ। और इस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में 225 छात्र एवं छात्राएं अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा भारत सरकार का, धन्यवाद ज्ञापित करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार का, जिन्होंने हमारी विधा की तरफ बहुत ध्यान दिया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस कॉलेज को खुलवाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक एवं होम्योपैथिक के समाज का एक सम्मान किया। और मैं साथ ही धन्यवाद ज्ञापित करूंगा समस्त अलीगढ़ के वासियों का, जिन्होंने कि इस होम्योपैथिक विधा में अपना एक सहयोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग दिया है। आज की तारीख में हमारा अलीगढ़ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे इंडिया में एक प्रथम स्थान रखता है। और होम्योपैथी जहाँ एक मेडिकल कॉलेज स्थापित होता है वहाँ की पैथी बहुत डेवलप है। मैं उम्मीद करूँगा कि जब ये इस मेडिकल कॉलेज के साथ इस गरीब जनता के बीच में पहुँचेंगे, इस ग्रामीण अंचल में पहुँचेंगे, इस शहरी अंचल में पहुँचेंगे और घर घर तक जन जन तक जा कर के अपनी सेवा का प्रचार करेंगे, तो निस्संदेह होम्योपैथी एक अपने विशेष और ऊंचे पायदान पर पहुंच जाए।
वैसे तो प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को डॉक्टर सैमन हैनीमैन का विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में याद किया जाता है। इस वर्ष उनकी 266वीं जन्मतिथि है। विश्व होम्योपैथिक सिर्फ इसलिए नहीं मनाया जाता, क्योंकि इसलिए भी मनाया जाता है कि आज के दिन आयोजित कार्यक्रम में होम्योपैथी के बारे में चर्चाएं की जाती हैं, इसकी रणनीतियों पर विचार किए जाते हैं और इस चिकित्सा प्रणाली को सुदृढ़ एवं आधुनिकीकरण करने के लिए जन जन को जागरूक करना है, इसके फायदे और नुकसान के बारे में बताना है और लोगों के मन से ये भ्रांतियाँ दूर करनी है कि होम्योपैथी बहुत ही धीरे धीरे काम करती है, बहुत धीरे ही इसका फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं है। जबकि होम्योपैथिक में जटिल से जटिल रोगों का चिकित्सा किया जाता है जी। और बहुत ही सुरक्षित है, जो बच्चे, महिलाओं, बुजुर्ग सभी के लिए सुरक्षित है।